नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। 4 अप्रैल के शाम 5 बजे की न्यूज़ की अपडेट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी अफवाहें इस समय सोशल मीडिया में गर्म हैं, और मैंने आपको सलाह भी दी थी कि अगर आप इन सारी खबरों पर भरोसा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका वक्त ज़ाया होगा, क्योंकि अब ये भर्ती काफ़ी वक्त लेना चाहती है, काफ़ी वक्त इसमें लगेगा भी, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के गए बगैर तो क्लियर नहीं होगा। फिलहाल फ्रेंड्स, एक खबर मैंने देखा था यूट्यूब पर कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर एक प्रकार की खबर जो वायरल की जा रही है, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका लिंक भी शेयर किया जा रहा है और फेसबुक पर भी लंबी बहस चल रही है। तो ये बहस इस मुद्दे पर है कि बीएड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट लगाई गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कैविएट के बारे में सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कैविएट कौन लगा सकता है। मान लीजिए अगर आप लोअर कोई कोर्ट है वहाँ से आप कोई मुकदमा जीतते हैं, ध्यान दीजिए मैं जीतते शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अगर आप जीतते हैं तो आप हाई कोर्ट में या फिर डबल बेंच में कैविएट लगा सकते हैं। कैविएट लगाने का मतलब ये होता है कि उसके बाद अगर आपका विरोधी उस कोर्ट में जाता है तो आपको पूर्व सूचना इसके बारे में दी जाएगी और पहले आपका पक्ष सुना जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कैविएट। तो यानी कि जो ये 29 मार्च का जो ऑर्डर डिलीवर हुआ है उसमें कौन सी टीम जीती है, उसमें 40-45 जो प्रतिशत का कट ऑफ है उसको जो है विजय एक तरीके से मिली है लोअर कोर्ट में, सॉरी सिंगल बेंच से। तो फ्रेंड्स, इसको डबल बेंच में ले जाने का अधिकार अगर किसी को है तो मात्र जो है वो सरकार को है। कोई भी अन्य मतलब कि पार्टी अगर चाहे कि इस मामले को वो डबल बेंच में ले जाए तो वो नहीं ले जा सकती, क्योंकि सिंगल बेंच में सिर्फ एक तरफ सरकार थी कट ऑफ बचाव पक्ष में, यानी कि 60-65 का जो कट ऑफ लगाया गया था उसका बचाव सिर्फ सरकार कर रही थी। तो ये मामला अगर डबल बेंच में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये मामला केवल सरकार ही लेकर जा सकती है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो पार्टी जीती हुई है अगर वो ये चाहती है कि अगर ये मामला आगे जाता है तो पूर्व सूचना उसको मिल जाए, तो जीती हुई पार्टी ही कैविएट लगा सकती है। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो खबर आप देख रहे हैं ये खबर पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर बीएड की तरफ से नहीं बल्कि शिक्षा मित्रों की ओर से जो है कैविएट लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए तो शिक्षा मित्रों को पहले अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो खबर है पूरी तरीके से भ्रामक है। ये मामला जो है शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जो कैविएट लगाई गई है वो शिक्षा मित्रों की ओर से लगाई गई है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको मैं एक अपडेट और भी दे दूं कि टीम रिजवान आज जो है वो बाराबंकी जिले में थी, और ये लोग कुछ बड़ा करने के चक्कर में, क्योंकि ये मानकर चल रहे हैं कि जो 172,000 शिक्षा मित्र जो बाहर हुए हैं उस मतलब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी का हित हो सके। फिलहाल इनकी बड़ी योजना क्या है ये अभी तक मतलब कोई जानता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर ये अपडेट करना चाहता हूँ कि 40-45 जो कट ऑफ के बारे में जो फैसला 29 मार्च को आया है, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर अब बात कर रहा हूँ स्पेशल अपील के बारे में, ठीक है। स्पेशल अपील की जा सकती है, स्पेशल अपील कोई भी कर सकता है, लेकिन इसी मामले को अगर डबल बेंच में ले जाना होगा तो वो मामला केवल सरकार ले जा सकती है, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर 40-45 के पक्ष में आया है 29 मार्च को, उसको जो है बीएड बीटीसी जो ग्रुप हैं अभ्यर्थी जो हैं वो लखनऊ खंडपीठ में स्पेशल अपील करने के बारे में तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी जो है अच्छे वकीलों को हायर करने के बारे में बात की जा रही है, और इस पर जो है अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है, ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बीएड बीटीसी जो अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ खंडपीठ में एक स्पेशल अपील करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये मामला आगे जाएगा तो सरकार लेके जाएगी, ठीक है, डबल बेंच में कौन लेके जाएगा, सरकार लेके जाएगी, लेकिन अभी सरकार का स्टैंड भी क्लियर नहीं हो सका है, क्योंकि 4 अप्रैल आज है और 8 अप्रैल, तो ये 2 तारीखें ऐसी हैं जहां पर इस परीक्षा की जो है जो पेपर लीक प्रकरण था उसको लेकर जो इस परीक्षा को रद्द करने संबंधी जो याचिकाएँ दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई होनी है। हालाँकि आज की जो सुनवाई हुई है उसके बारे में अभी तक यानी कि शाम 5 बजे तक कोई अपडेट हमें प्राप्त नहीं हो सका है, लेकिन इसके बारे में जैसे ही अपडेट प्राप्त होगा कि आज इस शिक्षक भर्ती को रद्द करने से संबंधित जो सुनवाई थी उस पर क्या हुआ, तो उसके बारे में मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। फ्रेंड्स, एक बार और बताएं कि दोनों ही पक्ष काफ़ी सक्रिय हैं और अब सबकी निगाहें जो हैं वो सरकार पर टिकी हैं कि सरकार क्या करने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी अब तक की पूरी अपडेट, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी सत्य होगा वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा।
इसलिए बहुत अधिक भ्रमित होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।